अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं एकदम खस्ता बिल्कुल हलवाई जैसी फूली फूली आटे की मूंग दाल कचौरी। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और इसका टेस्ट इतना बढ़िया रहता है कि आप इसे एक बार बनाएंगी तो आप इसे बार बार बनाएंगी। बिना मैदे के ये कचौरी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो चलिए एकदम टेस्टी मूंग दाल कचौरी बनाना शुरू करते हैं। आटे की मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक थाली में आटा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप आटा गेहूँ का और 1 कप मैदा भी ले सकती हैं, और अगर आप चाहें तो मैदे की भी बना सकती हैं, लेकिन आटे की कचौरी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो ये आटे में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जिसे आपको पसंद हो। इसी के साथ हम इसमें मोयन डालेंगे। तो मैं यहाँ पर मोयन में तेल डाल रही हूँ, आप घी भी डाल सकती हैं। यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। एकदम हलवाई जैसी कचौरी बनाने के लिए 1 कप आटे में हमें 2 चम्मच तेल डालना है, इस बात का ख्याल रखें। अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं। अच्छे से हमने आटे में मिला लिया है मोयन को, और आप देख सकती हैं बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा जैसे हम समोसे के लिए टाइट आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा नहीं करना है हमें, पर हाँ जिससे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे हल्का सा टाइट आटा लगाना है हमें। इतना आटा लगाने में करीब 3/4 कप पानी लगा है हमें, और ये हमारा आटा तैयार है। तो अब हम इसे ढक के करीब 15 मिनट तक आराम करने देंगे। जब तक ये हमारा आटा सेट हो रहा है हम कचौरी के लिए भरावन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मूंग दाल ली है, इसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था 2 से 3 बार धोकर, और अब हम इसका पानी हटाकर इसे दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। तो ये कढ़ाई को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। मैं यहाँ पर 1 चुटकी हींग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा हींग का फ्लेवर पसंद करती हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। इसी के साथ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसे 10 से 15 सेकंड के लिए पका लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसे भून लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करती हैं तो आप इसमें नहीं डालें। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है। करीब 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, इसे भी हम 1 मिनट तक फुल आंच पे अच्छे से भूनेंगे। 1 मिनट हो चुका है और ये अदरक थोड़ा सा पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पर मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से हम इसे मिला देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कचौरी में, बहुत ही बढ़िया ये बनती है। तो अब हम गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे और ये बेसन को हम अच्छे से भून लेते हैं करीब 2 से 3 मिनट तक। करीब 2 मिनट तक हमने बेसन को भून लिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये अच्छे से मिल भी गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से हम इसे मिला देते हैं। और अब हमने जो दाल का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। आप देख सकती हैं दाल को हमने बिल्कुल दरदरा पीसा है, एकदम बारीक पेस्ट हमें नहीं बनाना है। थोड़ी थोड़ी दाल आती है जब कचौरी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब हम फुल फ्लेम पर यानी कि तेज़ आंच पर इसे अच्छे से भूनेंगे। हम इस मसाले को इतना भूनेंगे कि सारी दाल अलग अलग दिखने लगे और ये मसाला एकदम सूखा हो जाए। फुल फ्लेम पर मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है और आप देख सकती हैं ये पूरा मसाला अच्छे से ड्राई हो चुका है यानी कि सूख चुका है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं।
ताकि ये मसाला जल्दी से ठंडा हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब हम इसे मसल के चिकना करेंगे। हम इसमें एक छोटा चम्मच तेल डाल लेते हैं ताकि हमारा आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसे हम करीब एक मिनट तक अच्छे से मस लेंगे। करीब एक मिनट तक हमने ये आटे को अच्छे से मसल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और चिकना हो गया है। तो अब हम इसकी लोई बनाएंगे, जिसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं। यहाँ पर मैं नींबू के साइज़ की लोई बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे बड़ा या छोटा कर सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो। कचौरी को बेलने के लिए यहाँ पर मैंने चकला और बेलन लिया है, तो इस पर हम अच्छे से तेल लगाएंगे ताकि बेलते टाइम ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। और यहाँ पर जो हमारी कचौरी की भरावन है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो हम एक लोई लेंगे जो हमने कचौरी की बनाई है। किनारों से हम इसे एकदम पतला करेंगे और बीच से हम इसे थोड़ा मोटा रखेंगे। पराठे की मोटाई में हम ये पूरी को बेलेंगे, बीच में ये जो हमने स्टफिंग यानी कि भरावन बनाई है इसे डालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भरावन डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो अब हम इसे पैक करेंगे, जैसे हम मोमो या फिर मोदक को पैक करते हैं। एकदम टाइट हम कचौरी को पैक करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा सल नहीं आए। ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा आटा हैगा उसे हम हटा देंगे। फिर से हम इसे थोड़ा सा गोल करेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। एकदम पतला भी हमें नहीं बेलना है, पर हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे ताकि इसके अंदर की जो भरावन है वो अच्छे से फैल जाए और हमारी कचौरी एकदम परफेक्ट बने। बिल्कुल हल्के हाथ से कचौरी को बेलें और ये हमारी एक कचौरी तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह हम सभी कचौरी को तैयार कर लेते हैं। कचौरी को तलने के लिए यहाँ पर मैंने तेल लिया है, और तेल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। तो अब हम इसमें कचौरी डाल देते हैं, और आप देख सकती हैं कचौरी अभी बिल्कुल भी नहीं तल रही है। तो अब हम इसमें 4 से 5 कचौरी डाल देंगे। कचौरी तलना बहुत सब्र का काम है, बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी कि मध्य आंच पर हमें इसे तलना है। इसी से हमारी कचौरी एकदम परफेक्ट और बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी। बहुत ज़्यादा कचौरी हमें एक साथ नहीं तलना है, 4 से 5 कचौरी हमें एक साथ तलना है, तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं तले। और आप देख सकती हैं जैसे ही ये कचौरी थोड़ी फ्राई हुई है तो ये ऊपर आ गई है और ये अच्छे से फूलने लगी है। अच्छे से हम इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलेंगे। दोनों साइड से हमारी कचौरी अच्छे से सुनहरी हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और अब हम इसी तरह सारी कचौरी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी बार कचौरी फ्राई करते टाइम भी हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर हम दूसरी कचौरी को भी अच्छे से फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक। और ये हमारी एकदम खस्ता बहुत ही बढ़िया और एकदम फूली फूली हलवाई जैसी आटा कचौरी बनके तैयार है। और आप देख सकती हैं कितनी क्रंची ये बनी है, एकदम हलवाई जैसी है ये। बहुत ही आसान है इसे बनाना, घर में मौजूद सामान से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी एकदम सिंपल और बहुत ही टेस्टी ये आटा कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये आटे की मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।